सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत करदी हां। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असीं करांगे 20 मई 2022 दे नाल रिलेटिड इंपोर्टेंट करंट अफेयर दे क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन दे नाल रिलेटिड मैं तुहानूं इंपोर्टेंट फैक्ट भी दसांगी। सो वीडियो नूं पूरे ध्यान दे नाल देखना। तो जिहड़े भी स्टूडेंट इस वीडियो का PDF लैना चाहुंदे ने, उह टैलीग्राम चैनल ते विजिट करके इस वीडियो का PDF भी लै सकदे ने। टैलीग्राम चैनल का लिंक मैं तुहानूं इस वीडियो दे हेठां डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दे दित्ता होया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, केड़ा देश जर्मनी नूं पछाड़ के चौथा सब तो वड्डा वाहन बाजार बन गया है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। साडा देश भारत जर्मनी नूं जर्मनी नूं पिछे छड्ड के फोर्थ लार्जेस्ट वहीकल मार्केट बनिया। ठीक है, हुण ये तां फोर्थ बनिया। फर्स्ट कौन आ? फर्स्ट ते आ चाइना, सैकेंड ते आ USA, थर्ड ते आ जापान। ये तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हां जी, स्पोषित मां अभियान का दूजा पड़ा कित्थे शुरू होया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, कोटा। राजस्थान के कोटा के लोग सभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्पोषित मां अभियान का दूजा पड़ा शुरू किया। एक क्यों किया गया वा हुण स्पोषित मां अभियान? ए स्पोषित तो मुक्ति दे लई शुरू किया गया स्पोषित मां अभियान। ठीक है, ये हुण तुसीं याद रखना, राजस्थान के कोटा के शुरू होया। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, राष्ट्रीय एमरजेंसी जीवन सहायता कोर्स किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय एमरजेंसी जीवन सहायता कोर्स शुरू किया है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ये साढ़े केंद्रीय सुरक्षा ते परिवार कल्याण मंत्री आ, तो इन्होंने राष्ट्रीय एमरजेंसी जीवन सहायता कोर्स शुरू किया। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, वनगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसने जितया? वनगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जितया वा सहसिल नंद जैवेट ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, 12वीं हाकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती आ? 12वीं हाकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती आ उड़ीसा ने कर्नाटक नूं हरा के। हुण उड़ीसा ने जीती आ तो उड़ीसा की कैपीटल की आ? जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता, 3 सैकेंड दिंदी आ मैं तुहानूं कमेंट बॉक्स दे विच लिखण दे लई। उड़ीसा की कैपीटल आ भुवनेश्वर, इतों के चीफ मिनिस्टर आ नवीन पटनायक, इतों के गवर्नर आ गणेशीला। हर साल उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल नूं मनाया जाता वा। उड़ीसा दे विच सुनावेदा वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, कोठागन वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, वैसीपली वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, देवरीगन वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ, गहीर मठ वाइल्डलाइफ सेंचुरी आ। उड़ीसा दे विच रूसिकुलिया बीच आ, उड़ीसा दे विच गोल्डन बीच आ, उड़ीसा दे विच भीतर कनिका नैशनल पार्क आ, नंदन कन्नन चिड़ियाघर आ। एक पाइका विद्रोह होया सी उड़ीसा दे विच 1820 दे विच, ते उड़ीसा ने इस नूं रीसेंटली स्वतंत्रता दा पहला युद्ध मनण दे लई सेंटर गौरमेंट तों मंग कीती, पर सेंटर गौरमेंट ने मना कर दिता। स्वतंत्रता दा पहला युद्ध 1857 ईस्वी दे विद्रोह नूं ही मन्निया जांदा वा। उड़ीसा दे विच अखिल भारती सरकारी भाषा विज्ञानिक ते तकनीकी सैमीनार दा आयोजन किया गया। उड़ीसा दी गौरमेंट ने महंगाई भत्ते दे विच 3% वाधा किया। उड़ीसा के दो पिंडा वेंकटा रायपुर अते नौलिया साही, इन्हां दोनों नूं ही यूनैस्को ने सुनामी रेडी डिकलेयर किया। उड़ीसा दे विच रजपर्व चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा दे विच चिल्का झील है भारत की सब तो वड्डी खारे पानी की झील। ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम उड़ीसा दे विच शुरू हुई। गरिमा नाम की नवी स्कीम उड़ीसा दे विच शुरू हुई। स्मार्ट हैल्थ कार्ड वंडन की शुरुआत उड़ीसा दे विच हुई। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा दे विच शुरू हुई। अर्बन गवर्नर इंडैक्स दे विच उड़ीसा टॉप ते आ। आपदा प्रबंधन नूं प्रमुख विशा घोषित किया उड़ीसा ने। उड़ीसा दे विच सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिजाइल जिसका नाम अपरले दा सफल परीक्षण किया गया। उड़ीसा दे विच सब तो लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन उड़ीसा दे कटक दे विच होया। इन्ना तुसी याद रखना उड़ीसा दे बारे। नैक्सट क्वेश्चन असी करदे हां जी, अंतरराष्ट्रीय अजायब घर दिवस कदों मनाया जाता है? हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय अजायब घर दिवस हर साल
18 मई नूं मनाया जांदा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम दे द्वारा 1970 दे विच लगातार 18 मई तो अंतरराष्ट्रीय अजायब घर मनाउणा शुरू होया। हुण अंतरराष्ट्रीय अजायब घर, देखो सब तो पहला अजायब पुरानी विरासत नूं अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करदे आ अजायब घर। इन्हां दे महत्व बारे जागरूकता वधाउण दे लई हर साल 18 मई नूं अंतरराष्ट्रीय अजायब घर दिवस मनाया जाता है। ये तुसी याद रखना, हुण 18 मई नूं मनाया गया तो मई दे इंपोर्टेंट डे बारे असी गल कर रहे हैं। तो हुण तक जिन्हें भी मई दे इंपोर्टेंट डे मनाए गए आ सारे असी रिवाइज कर लैने हैं। 16 मई नूं अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया, 15 मई नूं अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, 14 मई नूं विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया, 10 मई नूं वर्ल्ड लूपस डे मनाया गया, 9 मई नूं गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मनाई गई, 8 मई नूं विश्व रैड क्रॉस दिवस मनाया गया ते विश्व प्रवासी पंछी दिवस मनाया गया, 7 मई नूं विश्व अथलैटिक दिवस मनाया गया, 6 मई नूं अंतरराष्ट्रीय खुराक दिवस मनाया गया, 5 मई नूं विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया गया, 4 मई नूं अंतरराष्ट्रीय अग बुझाओ दिवस मनाया गया, 2 मई नूं विश्व टूना दिवस मनाया गया ते 1 मई नूं अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, गुजरात दिवस अते महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। इन्ना तुसी याद रखना मई दे इंपोर्टेंट डे दे बारे। अच्छा, असीं गल कीती सी अंतरराष्ट्रीय अजायब घर दिवस की, तो इस बार जो अंतरराष्ट्रीय अजायब घर दिवस मनाया गया इसका थीम की आ, द पावर ऑफ म्यूजियम, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असीं करदे हां जी, नवीन श्रीवास्तव किस देश विच भारत दे राजदूत बने आ। नवीन श्रीवास्तव नेपाल देश दे विच भारत दे राजदूत बने आ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेपाल। हाँ जी, 1993 बैच दे इंडियन फॉरन सर्विस IPS ऑफिसर आ नवीन श्रीवास्तव, ते हुण इह नेपाल दे भारत दे राजदूत बने आ नेपाल दे विच। ठीक है, नेपाल देश दे विच भारत दे राजदूत बने आ नवीन श्रीवास्तव। ते इन्हां तों पहला नेपाल दे विच भारत दे राजदूत कौन सी, विनय मोहन क्वात्रा, हुण ओह भारत दे विदेश सकत्तर बन गए आ ते उत्थों दे हुण नेपाल दे विच भारत दे राजदूत बने आ नवीन श्रीवास्तव। ये तुसीं याद रखना वा। हुण असीं गल कर रहे हां नेपाल दी, ते नेपाल दी कैपिटल की आ काठमांडू, इतों की करंसी की है नेपाली रुपया, तो इतों के प्राइम मिनिस्टर कौन ने, शेर बहादुर देबुआ, इतों के गवर्नर कौन ने, विद्या देवी भंडारी। इंडिया ते नेपाल दे विच सूर्या किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होंगी है, ये तुसी याद रखनी है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, हाल ही विच गोपाल विट्टल नूं किस कंपनी का MD अते CEO नियुक्त किया गया। हाँ जी, गोपाल विट्टल नूं एयरटेल कंपनी दे MD एंड CEO वजों अपॉइंट किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एयरटेल। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, अमेरिका की नैशनल अकैडमी ऑफ साइंसिज लई कौन चुनिया गया है। हाँ जी, अमेरिका की नैशनल अकैडमी ऑफ साइंसिज दे लई चुने गए आ डॉक्टर कमल वावा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, L&T दे MD अते CEO वजों किस नूं अपॉइंट किया गया है। हाँ जी, L&T लार्सन एंड टर्बो दे MD एंड CEO वजों अपॉइंट होए आ SN सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, केड़ा देश XV विश्व जंगलात कांग्रेस की मेजबानी करेगा। हाँ जी, वो केड़ा देश आ जेड़ा XV विश्व जंगलात कांग्रेस की मेजबानी करेगा, साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिणी कोरिया। हुण दक्षिणी कोरिया करेगा तो दक्षिणी कोरिया की कैपिटल की आ। हाँ जी, साउथ कोरिया की कैपिटल आ सियोल, इतों की करंसी आ साउथ कोरियन वॉन। तो इतों एस देखो साउथ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया डिवाइड करने वाली लाइन की कहते हैं 38th पैरलर। इन्ना तुसी याद रखना साउथ कोरिया दे बारे। नैक्सट क्वेश्चन, सब तो उच्चे ब्रिटिश ऑनरेरी अवार्ड लई किस नूं चुनिया गया है। हाँ जी, सब तो उच्चे ब्रिटिश ऑनरेरी अवार्ड मिलिया है अजय पिरामल नूं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अजल पिरामल, यह पिरामल समूह के हैड आ। ठीक है, तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, केड़ा पर्वतारोही 16वीं बार माउंट एवरेस्ट से चढ़िया है। हाँ जी, पर्वतारोही
सोलवी वार माउंट एवरेस्ट ते चढ़े आ कैंटन कूल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ जी इस दिन ही साड़ी आज दी ये वीडियो खत्म होंगी है ते वीडियो तो आनु किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी हो प्लीज़ वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।